जंगड़ के चैनल को सब्सक्राइब करने के रेड बटन को प्रेस कीजिए और आने वाले वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल जंगड़। मैं पंकज जंगड़ आपके शो पे स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आज आपने थंबनेल देखा, घर बनाने से पहले आप नक्शा खुद बनाएं। हाँ दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर आप कोई घर बनाना चाहते हैं अपना खुद का, तो उसके मैप के लिए आपको आर्किटेक्ट के पास जाने की जरूरत ना पड़े और कोशिश करें कि वो आप मैप खुद बना ले, उसी के द्वारा ही अपना घर का निर्माण करें। तो आज हम उसके बारे में देखने वाले हैं और उसके अंदर देखेंगे कि वो फ्री में आप किस तरह बना सकते हैं और इसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं पंकज जंगड़ और आप देख रहे हैं टेक्निकल जंगड़। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस, हम बात करते हैं ये जो हम डिजाइंस बनाएंगे घर के, जो मैप बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हमें कौन से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये सारा काम आपके मोबाइल के द्वारा हो जाएगा, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्ले स्टोर की ओर। प्ले स्टोर में आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, जिसमें सर्च करना है प्लानर 5D। जैसे आप इसको सर्च करेंगे, ये सॉफ्टवेयर अप्रॉक्सीमेटली 96 MB का है, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद एक अलाउ का ऑप्शन पूछेगा, तो आप उसे अलाउ कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए, इसके अंदर कुछ डायग्राम ऑलरेडी बने हुए हैं, आप उसको देख के थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप किस तरह बना सकते हैं। तो जैसे ये लिविंग रूम है, तो आप लिविंग रूम को देखिए, ये अभी 2D में है। आप 3D, जैसे ये ऑप्शन दिया हुआ 3D, इधर की ओर स्क्रॉल करेंगे इसको, तो ये 3D के अंदर आपको दिखेगा। उसके बाद ये देखिए, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा ये लिविंग रूम है, ये हमारा घर एंट्री रूम होगा हमारे रूम का। जैसे एंट्री रूम एंट्री करेंगे, तो ये हमें ये विंडो है हमारे इसके अंदर, और दो ये, जैसे हम एंट्री करेंगे तो इसके अंदर आप देखिए, इसके अंदर ये लाइटिंग लगी हुई है, जो टेबल लगी हुई है। तो इस तरह आप भी अपना जो क्रिएशन कर सकते हैं ऑलरेडी। सो इसी तरह आप भी अपने घर का, अपने रूम का, किसी का भी डायग्राम पहले बना सकते हैं। सो हम चलते हैं, सबसे पहले हम किस तरह बनाएंगे वो देखने वाले हैं। तो हम चलते हैं एक बार न्यू प्रोजेक्ट के अंदर, जो प्रोजेक्ट है न्यू ऑप्शन, इसके अंदर जाएंगे। सबसे पहले गाइस, ये आपको 5x5 स्क्वायर मीटर का जो एरिया देगा। इसके बाद आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ये आप क्या बनाना चाहते हैं। यहाँ पे इसे साइड में रख लेते हैं एक बार, और हम जैसे ये प्लस निशान दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, तो ये है रूम। आप किस तरह के रूम आपको चाहिए, आप इसको सेट कर सकते हैं। यानी सबसे पहले एक रूम हम और क्रिएट कर लेते हैं, ये देखिए रूम बन चुका है ये भी। उसके बाद हम ऐड करते हैं कुछ बीच का पोर्शन और ऐड कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, थोड़ा कुछ अलग लगे, इसलिए कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, कुछ सुंदर सा बनता है, बन जाए, ताकि चलो ये करते हैं, इसको वापस डिलीट करते हैं और ये वापस ले लेते हैं। इसको हम इस जगह साइड में रख लेंगे। अभी हम 2D में बना रहे हैं, 3D में बाद में कन्वर्ट करेंगे, तो वो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये बन चुका है हमारा डायग्राम। अब हम एक एंट्री के लिए हम बना लेते हैं, एक हम इधर की तरफ एंट्री रखेंगे और एक हम इधर की तरफ एंट्री रखेंगे। ये भी डिलीट कर देते हैं और कुछ ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन मिल गया हमें। अब ये देखिए, इस तरह हमारा घर का क्रिएशन होगा। ये हमारे साइड में जो उसके आगे लॉज होगा। तो ये देखिए, हम सबसे पहले हमारा मैप बन चुका है। उसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे यहाँ पे धूप होगी, हम कह रहे हैं हमने धूप लगाने का प्लान किया है, तो यहाँ पर हम धूप को कर देते हैं। ये देखिए, इस जगह धूप हो गई, इस जगह फिर धूप हो गई, एक जगह और फिर धूप कर देते हैं। ये देखिए, ये धूप लग चुकी है।
अब इसके बाद हम बाहर कुछ बैठने के लिए कुछ हमें पेड़ वगैरह चाहिए ताकि छाया वगैरह रहे, तो उसके हिसाब से ट्री वगैरह भी हम क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए नीचे गए हमने ये लगा दी। सबसे पहले ये धूप है तो इसके बाहर हमें कुछ लगानी पड़ेगी ताकि कोई एंट्री वगैरह ना ले। तो हम इसके अंदर दोस्तों बहुत से कुछ चीज दी हुई है, आप सबको ऐड कर सकते हैं। ये देखिए जैसे ये गेट हो गया, ये आप चारों तरफ लगा दीजिए यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे लग चुका है। इसको आप रोटेट कर सकते हैं जिस तरह भी आप रोटेट करना चाहते हैं, रोटेट कर लीजिए और इस जगह लगा दीजिए। दो फिंगर से आप पकड़ के इसे जूम भी कर सकते हैं। ये बन चुका है, इस जगह ये लग चुके हैं। ये चारों तरफ आप लगा लीजिए, ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। अब उसके बाद सेट करते हैं हम कुछ हमें चाहिए डोर, कि हमारा एंट्री डोर कहाँ होगा। तो हमारा एंट्री डोर दो है, तो हम एक तो इस जगह लगा लेते हैं और एक लगा लेते हैं इस जगह। ये हमारे एंट्री डोर हो गए हैं। अब उसके बाद हम गार्डन में बैठने के लिए हमें कुछ चाहिए, चेयर वगैरह कुछ, तो हम चेयर वगैरह कुछ लगाते हैं। सोफ़ा वगैरह इसमें सब कुछ दिया हुआ है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं सब कुछ आप फ्री में ऐड कर सकते हैं नॉर्मली। और कुछ आइटम है जो इसमें पेड भी हैं, जैसे अब जैसे अपने बेड में चलते हैं तो एक ये जैसे दो बेड फ्री में दिए हुए हैं, बाकी सारे पेड हैं। तो अगर आप इसका पेड वर्जन खरीदते हैं तो बाकी सब आप ऐड कर सकते हैं। बाकी अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो एक बार लगा सकते हैं। इसके अंदर भी रोटेट कर लेंगे बेड को, इस रूम में एक बार बेड रख देते हैं, एक बेड और ले लेते हैं जिसको हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। उसके बाद हम कुछ और ऐड कर लेते हैं, बेड हो चुका है, टेबल टेबल और वगैरह आप वो भी ऐड कर सकते हैं, कॉफ़ी टेबल वगैरह। ये अपनी टेबल हो गई, टेबल हम इस जगह सेट कर लेते हैं, एक टेबल और ले लेते हैं। जो हमारी जो पेड़ है उसको आप ख़रीदना पड़ेगा, पेड़ को अपने नहीं लगाते हैं, सिंपल लगा लेते हैं। एक बार इस जगह अपने इसको रख देते हैं ये रोटेट करके। अब हम चलते हैं वापस इसके अंदर और हमें कर्टेन वगैरह हम लगाना चाहते हैं तो कर्टेन भी लगा सकते हैं। कर्टेन सबसे पहले हमें विंडो बनानी पड़ेगी, तब कर्टेन अच्छे लगेंगे, वरना कर्टेन का पता नहीं चलेगा। कुछ कर्टेन आप अलग अलग ऐड कर सकते हैं, जैसे कौन सा कर्टेन आप रखना चाहते हैं। इस जगह हमने कर्टेन ये लगा दिया और किचन के लिए आप किचन हमारा किस जगह हुआ, इस जगह हम किचन को क्रिएट कर देते हैं। किचन यहाँ पे तो विंडो भी एक हमें विंडो भी चाहिएगी, तो हम एक यहाँ पे विंडो बना देते हैं। इस जगह एक विंडो हो जाएगी, घर के चारों तरफ थोड़ी विंडो होनी जरूरी है वरना हवा पासिंग कैसे होगी। तो हम सब चारों तरफ एक कुछ विंडो लगा लेते हैं। ये 2D डिजाइनिंग हो रही है गाइस, तो 3D के अंदर ये वापस कन्वर्ट हो जाएगी बाद में। अब इस रूम जो अपन बनाए हैं इसका एंट्री गेट भी होना जरूरी है, तो हम डोर बनाते हैं रूम डोर। तो ये एक रूम डोर तो हमारा इस जगह हो जाएगा और एक रूम डोर हमारा इस जगह हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ पार्टीशन हमें चाहिएगा, यहाँ पे हम एक पार्टीशन लगा देते हैं। ये हमारा पार्टीशन हो चुका है। पार्टीशन होने के बाद हम छत भी लगा के देख सकते हैं कौन सी टाइप की रूफ लगाना चाहते हैं, अब ये भी देख सकते हैं।
उसके बाद बाथरूम में आप जो कुछ भी सेट करना चाहते हैं वो भी सेट कर सकते हैं, ये टॉयलेट वगैरह कुछ भी आप रखना चाहते हैं इसके अंदर आप ऐड सब कुछ कर सकते हैं। आप आराम से कीजिए, आपको सब कुछ अच्छा कुछ मिल जाएगा इसके अंदर। शावर वगैरह ये चीज़ आप रखना चाहते हैं, ये इस जगह हम रखेंगे, ये पार्टीशन बना लिया इसके अंदर, ये हो जाएगा इसके साइड में। ये थोड़ा चलो ठीक है हो जाएगा, कोई चल जाएगा अपना काम। आप इसको सेट कर लेते हैं, ये नॉर्मली हमारा बन चुका है। इसके अंदर हम आप कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। जैसे इस जगह मैंने ये सेट कर लिया है, कॉर्नर में ये बाथटब लगा लिया है। उसके बाद इधर की तरफ हमने कोई विंडो नहीं लगाई है तो हम विंडो भी ऐड कर सकते हैं इधर आसानी से। अब और कुछ आप ऐड करना चाहते हैं फर्नीचर के अंदर आप देख लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ऐड कर सकते हैं। टीवी आप लगाना चाहते हैं तो टीवी लगा दीजिए, जहाँ भी आपको लगाना है। इस टेबल पे मैं टीवी रख देता हूँ एक बार। चलो एक बार आपने नॉर्मली अपन डिज़ाइन कर लिया, अब इसको 3D क्रिएशन में देख लेते हैं। जैसे आप 3D पे क्लिक करेंगे जो 3D की इधर की तरफ, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका पूरा घर तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरह का आपका ना आपने अपना घर बनाया है। तो आप दो फिंगर से इसे मूव कर सकते हैं। ये हमारा जो एंट्री होगी इस जगह, ये हम चारों तरफ ये करा लेंगे। ये देखिए पेड़ लगे हुए हैं, अब यहाँ से हम एंटर होंगे इस घर के अंदर। ये एंट्री तो हो गई, हमने यहाँ पे कुछ डोर नहीं बनाया है तो एक बार हम डोर लगा देते हैं ताकि हम एंटर कहाँ से होंगे हम ये भी नहीं पता अभी तक। तो चलते हैं इसके अंदर और रूम डोर यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे हो गया। और एक डोर इस चेक कर लेते हैं दोनों के इधर उधर जाने के लिए। वापस 3D में चलते हैं। ये देखिए इस तरह आप आसानी से कितना अच्छी तरह अपना घर तैयार करके देख सकते हैं। हमने यहाँ पे विंडो लगाई थी, ये टीवी हमने हवा में लटका दिया, ये नीचे टेबल पे रखना पड़ेगा। और ये हमारा बेड है, ये हमारा शावर के लिए है, ये पार्टीशन लगा हुआ है शीशे का, यहाँ आराम से बाथटब लगा हुआ है। तो सो दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरह आप अपने घर का मैप बना सकते हैं आसानी से। सो गाइस अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आराम से इसकी वेबसाइट पे आज जाके आप देख सकते हैं। अगर नहीं फिर भी नहीं समझ आ रहा मेरे से पूछ सकते हैं। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए टेक्निकल जंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलते रहे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।